कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम 10वीं और 12वीं का यहाँ पर रुकजनी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने वाले हैं, ठीक है। आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर कहाँ से चेक करना है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर रुकजनी परीक्षा दी है 10वीं और 12वीं की, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो सिंपली से आपको अपने यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के लिए गूगल में आ जाना, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, MPSOS, ठीक है, MPSOS सर्च करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको सर्च करना, हमने यहाँ पर लिखा है तो इसी तरह से आपको टाइप करना है गूगल में, ठीक है। तो सिंपली से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आप यहां पर सर्च करेंगे MPSOS, तो आप यहां पर देख लीजिए आपके सामने यहां पर MPSOS के नाम से पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, आप यहां पर देख लीजिए इसमें जो आपकी पहली वेबसाइट दी MPSOS, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ MPSOS। तो सिंपली से आपको इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट से आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो आपको अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करना है, सिंपली सा जैसे ही आपके सामने यह पेज आ जाता है तो आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम टेबल, रिजल्ट, माइग्रेशन और एडमिट कार्ड। तो सिंपली से आपको यहाँ पर सेकंड वाले पर क्लिक करना है, रिजल्ट माइग्रेशन, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रिजल्ट का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर थे, ये आपके यहाँ पर जो दिसंबर में जो आपके यहाँ पर पिछले साल 2023 में जो आपके यहाँ पर रुकजनी परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर देखते उसका रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अब आपके यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रुकजनी परीक्षा हुई है वो आपकी मई में हुई है, ठीक है। तो अभी आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया, आपका रिजल्ट आएगा 15 जून तक, ठीक है। 15 जून तक आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू लिंक ऐड हो जाएगी, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा आपके यहाँ पर मई जून 2024, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से लिखा है एग्जाम दिसंबर 2023, इसी तरह से एक और हेडिंग आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी जिसमें लिखा रहेगा मई जून 2024, ठीक है। फिर उसके नीचे जिस तरह से यहाँ पर लिखा रुक जाए नहीं योजना एग्जाम क्लास 10वीं 12वीं, इसी तरह से उसे हेडिंग के नीचे लिखा रहेगा रुक जाए नहीं योजना एग्जाम क्लास 10वीं 12वीं, ठीक है। आपके यहाँ पर एक हेडिंग और हेडिंग के नीचे, ठीक है, आपकी यहाँ पर एक हेडिंग ऐड हो जाएगी, हेडिंग के नीचे आपकी एक और लिंक ऐड हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपको अपनी यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप 10वीं के स्टूडेंट 10वीं सेलेक्ट करना, 12वीं के स्टूडेंट 12वीं सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है जो कि यहाँ पर बॉक्स में दिया गया, ठीक है, यही आपको यहाँ पर डाल देना और आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप यहाँ पर 10वीं 12वीं का रुकजनी परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट आएगा 15 जून तक। तो जब आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो उसका वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।